तो बाबा लोग यार कैसे हो तुम सभी। एंड आज अपन खेल रहे हैं बहुत दिनों के बाद फिर से वेगस क्राइम सिमुलेटर 2। तो यार खेला नहीं बहुत दिनों से, एंड चलिए इसका मिशन कंप्लीट करते हैं। तो आज फिर से एक और नया मिशन लेंगे अपन वेगस क्राइम सिमुलेटर 2 का। एंड ये होगा मिशन नंबर लगभग कौन सा होगा यार, शायद 29 नंबर का मिशन होगा। वैसे हर कोई मिशन का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। एंड हो सके तो इसमें टाइटल में भी डाल दूंगा, पहले देख लेते हैं अपन। तो भाई बहुत दिनों बाद चालू हुए हैं, एंड एक और इम्पोर्टेंट गेमिंग न्यूज़ समझ लो इसको। तो 5 फरवरी को आया था हमारा वेगस क्राइम सिमुलेटर 2 का नया अपडेट। तो जिसने भी अपडेट नहीं कराया है, जाओ प्ले स्टोर पर से अपडेट करा लो। यहाँ पे जो है नेक्सस वालों ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो हैं वो भी अपडेट कर दी है, आप पढ़ सकते हैं उनको जाके। अभी मैंने शुरू में दिखाया था, आपको याद हो तो प्राइवेसी पॉलिसी आ रही थी। एंड इसी के साथ में जो हमारा अपडेट है ना, इसमें हुआ है विजुअल ऑप्टिमाइजेशन। समझ रहे हो विजुअल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, जो आपके ये गेम है ना भाई, ये एक तरीके से ऑप्टिमाइज हो गया। इसका जो जितना भी ये विजुअल इंटरफेस था, तो इन्होंने बहुत कोशिश की, एंड आपको देखने में थोड़ा अलग भी लग रहा होगा गेम। तो यार आप जाओ अपडेट कराओ, फिर भी देख लो। अभी ये इतना मेरे ख्याल से तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि देख लो अभी मैं चला रहा हूँ तो आपको लेग महसूस होगा। पता नहीं आपको दिख रहा है वहाँ पे, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इसे चला रहा हूँ तो लेग महसूस हो रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हो सकता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जब चला रहा हूँ तो भी बता रहा हूँ कि भाई लेग हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से नहीं है, गेम भी लेग हो रहा है। तो चलो फिर भी चलते हैं। एंड मैप में मैंने मार्क लगा दिया है, ये मिशन है कहाँ भाई, कौन सी गली है ये। तो पहले अपन ने उन भाइयों के मिशन कंप्लीट किए थे अभी, एंड इसके बाद वो भाई का जो है सिंबल हट चुका है मैप में से। कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो हटते नहीं है, ये देखो इसकी छत पे एक सीक्रेट पड़ा हुआ है, तो इसे अपन लेंगे बाद में। जैसे कि मैंने रियल गैंगस्टर क्राइम सिमुलेटर का बटरफ्लाइज वाला वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसी तरीके से इसका वीडियो भी बनाएंगे, ताकि यार आप लोगों को ना याद रहे। अब मैं मिशन के बीच में ले लेता हूँ तो बहुत सारे बंदों को याद ही नहीं रहता भाई कब ले लिया आपने सीक्रेट, तो उनका एक साथ अलग से वीडियो बनाएंगे अपन। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कौन सा मिशन आज अपन लोगों को कंप्लीट करना है। तो भैया जी कौन हो आप, बड़ी मुश्किल से मिले हो हमें, बताइए क्या करना है। सस्पिशियस मैन स्टार्टिंग आई हैव हियर, यू आर लुकिंग फॉर सम वेल पेड वर्क। जी हाँ पैसा चाहिए हमको, तो बोलिए क्या करें। डैट्स मी वाट दी जॉब। तो सस्पिशियस मैन बोल रहा है आई नीड यू टू गेट फोटोज ऑफ अंडरग्राउंड गैरेज इन द मिडल ऑफ द सिटी। तो इसको चाहिए भाई फोटो अंडरग्राउंड गैरेज के। तो देखते हैं, अपने पास तो कैमरा नहीं, गरीब आदमी यार अपन तो ऐसे घूमते रहते हैं भाई। ये लो भाई माथा और फूट गया, माथा बचा था, हाथ पैर टूट रहे हैं सही हमारे। तो सबसे पहले इसको मारते हैं, कैमरा ले लेते हैं इससे। तो कैमरा लेके घूम रहा था, तो आज ही कैमरा इसकी मौत की वजह बन गया। इसलिए रोडों पे लेके मत घूमा करो भाई, घर में ही सेल्फी लेके खुश हो लो। तो अब चलते हैं भाई और गाड़ी चुराते हैं, जो कि हमारा जो है नेक्स्ट है। तो इसे फेंकते हैं इस लड़की को बाहर, जिंदा ही छोड़ देता हूँ बेचारी को, जाने दो। तो यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमको, पुलिस वाले हमारा कुछ करते हैं ही नहीं, ये तो आते हैं बस हाय हेलो करके निकल लेते हैं। इसमें करना इनसे कुछ करेंगे भी तो अपना तो कुछ होना नहीं है इनसे, सही बात है। तो चलो भाई यहाँ से अपन यार घुमाते हैं, चढ़ जाना यहाँ से। कहा भाई गाड़ी क्यों नहीं चढ़ रहा हमारा, तो हमारा गाड़ी दोस्तों सीढ़ियों पर चढ़ ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करता हूँ एक बार थोड़ा पीछे जाके। वैसे गाड़ी भी यार बहुत बेकार मिली है, चलने में बहुत बेकार है और घटिया है। एंड अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो सबसे पहले मैं जगह ढूंढता हूँ, मेरे ख्याल से पीछे से जाना है, यहाँ से तो जगह ही नहीं मिली, सीढ़ियों पे चढ़ी नहीं रही, खटाला गाड़ी। चलो देखते हैं इसके पीछे कौन सी जगह है। अरे भाई ये रहा अंडरग्राउंड गैरेज, GTA Vice City खेला हो तो उसमें भी ऐसा अंडरग्राउंड गैरेज आता है। वाह मजा आ गया आज तो, एंड्रॉयड गेम वेगस क्राइम सिमुलेटर में 2 में भी ऐसा ही गैरेज मिल गया हमें। काश ही गैरेज खुलता भी हो यार, वैसे तो इसमें प्रॉपर्टी बनाई नहीं है, तो मेरे ख्याल से खुलेगा तो नहीं, नहीं खुला यार, खुलने वाला बनाना चाहिए, अपन गाड़ी पार कर सकते हो। तो ये हो गया क्या मिशन, चलो अपन तो को जाना है इस बंदे के पास वापस। एंड मैंने को लगता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है, उड़ के चलते हैं यार, गाड़ी बहुत बेकार है, चल नहीं रही है। तो गाइस यही था आज के वीडियो में, एंड अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा आरपी दिस ऑन यूट्यूब। और क्योंकि बहुत धमाकेदार वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं, खिड़की से निकल लेते हैं अपन। एंड सस्पिशियस मैन का मिशन हो चुका है कंप्लीट, बहुत मज़ा आया मिशन को पार करने में, और हमें बहुत सारी चीज़ें मिली आज के मिशन में, और बहुत दिन हो गए थे खेले हुए तो यार खेल लिया। चलो तो अभी के लिए यार इतना ही, हंसते रहिए खुश रहिए एंड देखते रहिए यार पे देश। बाय बाय एंड टेक केयर। व्हाई डू यू नीड दोस फोटोज, क्यों चाहिए थी भाई तुझे। ओ भाई धमकी दे रहा है कि अपना मुंह बंद रखो वरना जान से मारी जाओगे, ओ हमें मारेगा बेटा जान से। चलो छोड़ देते हैं बेचारे को यार, दया कर देते हैं आज। तो अभी के तो मैं चलता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर, हंसते रहिए खुश रहिए एंड देखते रहिए अर्पित दिस। बहुत ही मजा आया, बाय बाय टेक केयर।